तो हेलो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग बनाने का रीज़न है कि मैं आया था अमरावती में, तो आपको पता है, लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पे अमरावती में अम्बा देवी का दर्शन करने। तो अभी मैं फिलहाल में खड़ा हूँ जो अम्बा देवी का गेट है, उस गेट के पास देख सकते हो आप, ये अम्बा देवी का गेट। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये फ्रंट कैमरा में नहीं दिखेगा तो मैं आपको आगे कैमरा करके दिखा सकता हूँ। देखो ये अम्बा देवी का गेट, मैं आपको आगे का व्यू करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर तीन देवी है, यानी कि तीनों भी बहन तीनों भी बहन बहन है, और ये उसका गेट है, ये उनका। तो वहाँ पर है पुरानी अमरावती और ये है नई अमरावती। गेट के उस तरफ पुरानी अमरावती, गेट की इस तरफ नई अमरावती। तो आपको हम दिखाते हैं ये वाला गेट आगे का व्यू करके। तो ये है गेट अम्बा देवी का। यहाँ से कारवार जा रही जंदो पहली से, ये अम्बा देवी माता का गेट। और वहाँ पर है पुरानी अमरावती, यहाँ से चालू होती न्यू अमरावती। तो इनकी जो शेडिंग है, जो लुक है पुरानी अमरावती की, छत्रपति शिवाजी महाराजों का किला कैसा होता है वैसी होती है। तो मैंने देखा है, आप भी कभी अमरावती आओ तो देखिएगा अम्बा देवी का गेट, अमरावती पुरानी, अमरावती न्यू। तो ठीक है, मिलते हैं मंदिर में। अभी हम जा रहे हैं अमरावती के देवी के पास, तो आप देख सकते हो। ये जा रहे हैं देवी के मंदिर में सीधा रास्ता। तो यहाँ से जाने पड़ता क्या? तो अभी हम जा रहे हैं देवी माता के मंदिर में। कौन से वाले? ठीक है, इकड़े 60 रुपये आरती है। तो अभी हम आए अम्बा देवी के गेट के पास, यहाँ से टर्न लिया। मुझे पता नहीं, मैं नया नया हूँ इस सिटी में। बहुत सही है अमरावती में, ये जो अम्बा देवी का मंदिर है ये वाला। तो हम आए हैं सीधा गेट के पास, तो मैं आपको सीधा गेट दिखाता हूँ अम्बा देवी माता का। ओ भाई, और कितने कितने पीछे जाना पड़ेगा? तो आप देख सकते हैं अम्बा देवी माता का मंदिर है ये वहाँ की दुकान, जो पूजा का सामान होता है वही दुकान। तो हेलो, तो आए हम अम्बा देवी के मंदिर में। तो अभी हम जाएंगे सीधा मंदिर में, यहाँ पे चप्पल उप्पल निकालते हैं और जाते हैं मंदिर में। तुमची मैत्रीन। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर चप्पल उप्पल निकालेंगे। कितने? 130। 130 में हमने चप्पल रख रखी है, आप ध्यान में रखना कहीं गुम ना हो जाए। तो अभी हम मंदिर में इंटर कर रहे हैं, तो हम पैर वैर छूते। तो अभी हमने इंटर किया है, आगे का व्यू करके दिखा देता हूँ आपको अम्बा देवी का मंदिर। तो सॉरी गाइस, मैं मंदिर का आपको कुछ दिखा नहीं सका क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था। अभी इस मंदिर में जाते हैं, देखते हैं इस मंदिर में कैमरा अलाउड है क्या नहीं। तो अलाउड है इधर? हाँ। तो अभी हम दूर से दिखा देते हैं आपको क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। देख लो आप दूर से, देख लो। क्योंकि अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है। तभी मैं जाके देखूंगा। मुझे कोई ना कोई बोलेगा। उधर मुझे तीन जनों ने बोला कि छोटी देर को अभी बताया कि मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर। तो अभी मैं जाके देखूंगा और क्या होता है तो देखूंगा। तो अभी मैं फाइनली मोबाइल लेके जा रहा हूँ।
मोबाइल अलाउड है। तो गाइज फाइनली यहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं था लेकिन बाहर अलाउड है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से जाना पड़ता और कहाँ से आना पड़ता है। तो यहाँ से जाना पड़ता है, ये मेन द्वार यानी कि इंटर करते हैं और ये एग्जिट यानी कि बाहर आते हैं ये वाला। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आगे का व्यू करके आपको दिखा देता हूँ कि इंटर और एग्जिट क्या है। तो मेरे को लोग भी देख रहे हैं, देख के हंस रहे। ये है इंटर और ये है एग्जिट। और अभी हम जाएंगे उसके साइड में। पूरा पूरा दिखाएंगे मंदिर पूरा। ये एक मंदिर, ये प्रवेश द्वार। ये संगीत जो बजाते हैं। ये अंकल जो बजा रहे हैं। ये मेन गेट, मोबाइल अलाउड नहीं अंदर, इसलिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। कुछ दिखेगा तो दिखेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर फाइनली दिखा दिया आपको कि क्या जो जो मेरे बस में था वो दिखा दिया, जो जो मेरे बस में नहीं वो नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी से मुंह भी नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं कुछ भी। तो अभी हम जाएंगे हमारे जीजू के और सिस के पास जिनके साथ हम आए थे। दो मंदिर थे, दो मंदिर में भी अलाउड नहीं था। यहाँ पर तस्वीर वस्वीर निकल रहे हैं लोग, तो आप देख सकते हो। बहुत लोग मुझे टाउन मार रहे हैं यहाँ पर कि इतनी भीड़ में भाई बंदा कैमरा लेके हाथ में चल रहा है। तो मैं आपको आगे का व्यू करके दिखा देता हूँ कि ये मंदिर कैसे दिखता है। ये देखो भाई, ये है अंबा देवी का मंदिर, बाहर से बहुत अच्छा है। ये देखो गेट, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, प्रसादालय, ये मेरी दोस्त की फ्रेंड। तो भाई ये मंदिर छोटा है लेकिन अच्छा है। यहाँ पर जत्रा होती है लेकिन कब होती है मालूम नहीं, मेरे को बोला कि जत्रा होती है करके। वहाँ पर लोग तस्वीर निकालते हैं, यहाँ पर लोग निकालते हैं तस्वीर। ये मंदिर है, ये क्या है, एकवीरा देवी संस्था। आपको दिख नहीं रहा है वो, वहाँ पर लिखा एकवीरा देवी संस्था। तो गाइज फाइनली हमने आपको मंदिर दिखा दिया लेकिन उसके जो अंदर कौन कौन से दिवे वो नहीं दिखा सका, सॉरी, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो फाइनली फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही था। कोशिश करता मैं कुछ ना कुछ लेकिन मुझे बाहर निकाल देते हो और मेरे साथ थे उन्हें भी कुछ ना कुछ बोलते। तो भाई गाइज ये वो जगह जहाँ पर लोग तस्वीर निकालते हैं, ये वो क्या
हाँ तो गाइज यहाँ पर तस्वीर वस्वीर की करके मैंने आपको बोल दिया, और जो मेरे पीछे में इकड़े कहाँ है जी, इकड़े कहाँ है, इधर मंदिर है बोलते हैं। मैंने आप काकू जी से पूछा, अभी हम जाएंगे जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल यानी कि जो व्यायामशाला है उसके अंदर जाके देखेंगे। अभी हम अलाउड है क्या उधर, ठीक है अभी हम उधर जाते हैं। अभी बंद है क्या, लोग आ जा रहे ना, लोग आना जाना कर रहे ना। अरे यार रोडे बोलते तो सॉरी, मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता है अमरावती में, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे जीते हैं तो बिना मोबाइल के। तो ठीक है, मिलते कभी ना कभी किधर ना किधर किसी ना किसी मंदिर के पास जाएंगे, जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से। तो साथ में जीजी और दी हो गए आगे, मैं जा रहा हूँ उसके पीछे, देख सकते आप हम वही गलती से जा रहे हैं। तो दुकान ये वो देख सकते हो आप, यहाँ पर मिठाई, नारियल, कुटू, हड़द, ऊपर माता जी की चुंदरी है लगी है, यहाँ पर जो कान्हा यानी कि कृष्णा जी ड्रेस पहनते हैं वो भी है, स्टिकर, झाड़ू वाड़ू, चूड़िया, ये भगवान के घर का मंदिर। ये है बालाजी मंदिर, श्री बड़े बालाजी मंदिर उस पर लिखा था। शिवंकर साहब का नाम वाला तो योगी तो मैं भी, ये देख सकते हो ये ज्वेलरी की दुकान, ये भी ज्वेलरी की दुकान। तो अभी हम मार्केट से यानी कि ये जो दुकान है इसे मार्केट कहते हैं, वहां से हम चलते चलते हमारे गड्डी की बात जाएंगे। असर ठू रहा लोग लौकर से दुकान है दिया तो मैं फटाफट। ये बच्चों को बच्चियों के खिलौने होते हैं उसका दुकान। कुछ खास नहीं लग रहा है लेकिन ये जो गली है ये गली में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, नूडल्स, गुपचुप और ये लड्डू वड्डू, ये उसकी दुकान है, ये कुकुर की दुकान आप देख सकते हो। तो हम अभी जाएंगे हमारे गड्डी के पास। ये वो है माँ लक्ष्मी घर संसार सेल, दिखने नहीं रहा वहां पर बैनर चला चल। तो कल रवाना होंगे हम हमारे गांव के लिए, तब 2 या 3 बजे रवाना होंगे कल हम हमारे गांव के लिए यानी कि वर्धा सिटी में हम आएंगे। फिलहाल में हम अमरावती सिटी में, अपनी पहचान है लाला ज्यादा। तो हम जा रहे हैं हमारे गाड़ी के पास, लोग तो भाई ऐसे देख रहे हैं भाई, ऐसा मोबाइल हाथ में पकड़ा हो तो क्या समझ रहे क्या नहीं। तो ठीक है देखो भाई कैसा, मेरे को शर्म आ रही है, आधी शर्म आ रही है, लेकिन शर्म की क्या बात है भाई, अपन ने शर्म सब बेच बेच के खाएला, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अपने बारे में क्या बोल रहा है कौन ने। यही दुकान थी जिसके पास हम खड़े थे, अभी मैं कॉल लगाऊंगा और मेरे जीजू आएंगे मुझे लेने के लिए। तो पीछे में देख सकते हो आप, ये अमरावती सिटी, मैं आगे का व्यू करके दिखा देता हूँ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की किले की तरह था वो दिखा देता हूँ मैं आपको।
बोला था ना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है उसके उस तरफ पुरानी अमरावती जो हमारे जीजू ने बताया, और उसके इस तरफ नई अमरावती। तो ये नई अमरावती, ये पुरानी अमरावती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केले वेले फ्रूट्स की दुकान है। ये पुरानी अमरावती उस तरफ और पुरानी अमरावती और ये न्यू अमरावती। तो मेरी जीजू ने बोला कि ये चौक है, ये मैंने जाकर कुछ दिखा सकता है तो दिखा। तो अभी मैं जाऊंगा उस चौक में जो मैंने, अभी हम जा रहे हैं उस चौक के पास। तो अभी हम आए चप्पल वप्पल की दुकान में, चप्पल जूता उठता। तो मेरे दोस्तों ने बोला था कि अमरावती में जाएगा तो कुछ मेरे लिए टी शर्ट शर्ट या जर्किंग वर्किंग लाएगा। तो भाई सॉरी, मैं कुछ ला नहीं सकता यार तेरे लिए। तो फाइनली मैं उधर गया नहीं, इधर सिर्फ गर्ल्स का सामान है। अगर तू गर्ल्स का पहन रहा होगा तो मैं लाता तेरे लिए गर्ल्स का। ये भाई लोग भी मेरे को देख रहे हैं, देख सकते हो आप कैसे देख रहे हैं भाई, मेरे को कहाँ से आ रहे हैं। ब्लॉग चले ब्लॉग। तो ये भाई साहब मुझे देख रहे हैं, हाय बोलो सर। हाँ हाय। इनकी भी दुकान है यहाँ पर, बॉयज के कपड़े नहीं मिलते क्या पीछे? तो बॉयज़ के कपड़े पीछे वाली गली में है बोलते, तो हम जाएंगे पीछे वाली गली में थोड़ी देर बाद। तो हमारे जीजू और हमारी सीट ले रही है हमारे उनके लिए सैंडल, तो मिलते पीछे वाली गली में। अभी हम आए हैं अमरावती के जोशी मार्केट में। तो आप देख सकते हैं ये मॉल की तरह लग रहा है मेरे को, लेकिन ये जोशी मार्केट। हर जगह गर्ल्स का सामान है भाई, जेंट्स के लिए कुछ है क्या? नहीं, नकली बाल। तो आप देख सकते हो मुझे लोग कैसे ताक रहे हैं, बोल रहे होंगे कि बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है। इतने हर जन मुझे देख के जा रहा, हर कोई आ रहा देख के जा रहा कि क्या कर ला करके। ये देखो लड़कियां भी हंस के जा रही, देखो हर जन हंस के जा रहा है, ये देखो पीछे में। तो अभी हम अभी जोशी मार्केट, पूरा लड़कियों का सामान भरा है यहाँ पर, पूरा लड़कियों का। क्या देख रहा है छोटे? मैं आपको आगे का व्यू करके दिखा देता हूँ कि पूरे लड़कियों का सामान भरा है यहाँ पर, देख सकते हो आप। पूरी लड़कियों का सामान, तो अभी हम जाएंगे इस मार्केट के बाहर, बाबा जोशी मार्केट। तो अभी हम आइए यहाँ पर पानीपुरी सेंटर पे, पानीपुरी खाएंगे और घर को जाएंगे। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हम पानीपुरी खाएंगे और जाएंगे घर को। फिलहाल में मैं पानीपुरी नहीं खाता तो इसलिए मैं खाऊंगा भेलपुरी। सत्य आप, तो हम खाएंगे भेलपुरी। यहाँ पर हमारी भेल लग चुकी है, देख सकते हो आप। तो हमारी भेल लग चुकी है ये भेल वाले, अभी हम इसे खाएंगे। तो फाइनली सब कुछ खत्म होने के बाद तो हम पहुँचे घर। तो हमने आपको अमरावती का जो जो हमारे बस में है वो हमने दिखा दिया। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे साथ में हमारा टॉमी, टॉमी टॉमी, तो आपने देखा ही होगा अमरावती का वीडियो। और ये टॉमी को भी देख लो, जब मैं पहली बार आया था तब ये टॉमी मेरे को काटने को दौड़ा था क्योंकि पहचान नहीं थी। अब इसके पास भी बैठता हूँ तो कुछ नहीं बोलता। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग के लिए, बाय बाय।